एकदम डिलीशियस, एकदम लाजवाब और एकदम मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखकर तो आपको पता चल ही चुका होगा कि इतना यमी और इतना माउथ वाटरिंग लग रहा है इसका लुक। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन स्टू की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने 4 kg चिकन है जिसको वॉश करके रख लिया है, और आधा किलो प्याज को मैं करीबन करीब 250 से 300 ग्राम के करीब में ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो आधा किलो प्याज और 4 किलो चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक तो कम है, लेकिन मैं सिर्फ आधा किलो प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। ब्राउन होने के बाद में मैं प्याज को निकाल लूँगी और अच्छे से फैला लूँगी, जिससे कि हमारी प्याज जो है वो कुरकुरी हो जाए। तो जब प्याज हमारी कुरकुरी हो जाएगी तो उसके बाद बचे हुए तेल में मैं अपना सारा चिकन ऐड कर दूँगी, जो कि हमारा 4 किलो के करीब में है। और जब तक मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करना है, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टोटली खड़ा गर्म मसाला मैंने डाला है, आप देख चुके हैं सारा साबुत गर्म मसाला है, और करीबन करीब टोटल 50 ग्राम पिसा हुआ धनिया मैं इस्तेमाल करूँगी, 2 से 2.5 चम्मच हल्दी लूँगी इसमें, और नमक लेंगे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना हम खाना पसंद करते हैं। बाकी मैंने लिया है करीबन करीब 2.5 चम्मच खाने वाला जो होता है, और उसके बाद लिया है मैंने 1 कप लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर से मैंने थोड़ा अपना धनिया पाउडर डाला, और 50 से 60 ग्राम के करीब में हरी मिर्च थी जो कि मैंने चॉप कर ली। और इसके बाद में मैंने अपनी पहले प्याज को कुचल लेती हूँ, जिससे कि ना ये बाद में ना नरम पड़ जाएगी तो ये बाद में सेट नहीं हो पाएगी, वरना फिर हमें इसे मिक्सी में या तो ग्राइंड करना होगा या सिल पत्थर पे करना होगा, तो इसीलिए मैं फटाफट से इसको हाथों से मैश कर लेती हूँ अच्छे से, तो ये सेट हो जाएगी। और उधर हमारा मसाला भी देखिए ढल चुका है पूरा, लेकिन मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वैसे ही बहुत पानी हो जाता है। और 10 से 12 के करीब में मैंने ली हैं लाल मिर्चें, और ये है मेरी करीबन करीब 700 से 800 ग्राम के करीब में उबली हुई प्याज। अब हमने इसको मिक्स किया, इसमें प्याज का पानी हो गया, और मसाला डालने के बाद वैसे भी गोश्त अपना पानी छोड़ता है, तो इस तरह से मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिना पानी डाले इसको भुनाई करूँगी, अच्छे से भुनेंगे हम। और दूसरा ये है कि हम इसको ढक के नहीं पकाएंगे, अगर ढककर पकाएंगे तो चिकन गलने का डर रहेगा। मैं बना रही हूँ लकड़ी के चूल्हे पर, और चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मैं बड़े चम्मच इसको चला रही हूँ, जो कि मेरे पास एक बड़ा सा चम्मच है उससे मैं चला रही हूँ। और इसमें देखिए माशाल्लाह सब खूब अच्छे से भाप बननी शुरू हो गई है, और ऐसे में मैं इसमें डाल दूँगी आपका दही। तो दही करीबन करीब मैं लूँगी इसमें 300 से 350 ग्राम के करीब में मेरा दही होगा। कुछ तो मैंने पैकेट्स वाला डाला है, कुछ मैंने घर का दही डाला है, तो इस तरह से 300 से 350 ग्राम मैं दही यूज़ कर रही हूँ। और मैंने डाले हैं इसके अंदर टमाटर, जो कि मेरे से स्किप हो गए हैं, 3 टमाटर हैं 4, और उसके अलावा मैंने लिया 1 बड़े नींबू का रस, और इसको डाल करके हम अपने मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका तेल ना छटकने लगे, और बाकी का जो ब्राउन प्याज है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो चिकन स्टू है वो भुनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। सो मैंने गरम मसाला जो ऐड किया है वो लिया है मैंने साबुत गरम मसाला, टोटल जो हमारा गरम मसाला होता है धनिया लौंग इलायचीज़ वगैरह उस सबको मैंने कूट करके इस्तेमाल किया है, कोई भी पिसा हुआ मसाला मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा चिकन स्टू पूरी तरीके से बनकर तैयार है, भुन चुका है, और इसके बाद में देखिए अच्छे से तेल भी छोड़ दिया स्टू ने। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपको स्टू अपना ढीला पतला थोड़ा जिस तरह से रखना है अगर आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, वरना आप नॉर्मल उसी मसाले में अपना स्टू तैयार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट का प्रोसेस है हमारा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद एक तो टेस्ट बहुत अच्छा था, दूसरा इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आता। तो देखिए आप देख सकते हैं इतना माउथ वाटरिंग, इतना लाजवाब, इतना डिलीशियस लग रहा है ये देखने में। मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनकर अपने खाने की खुद तारीफ नहीं करूँगी, आप देख सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी और
चीज़ पर वीडियो चाहिए, आप कोई और चीज़ बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी जानना है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसे लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ उसके बाद फिर किसी ख़ास और न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।